हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यूट्यूब की पुरानी आईडी को कैसे वापस ला सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप अपने यूट्यूब की पुरानी आईडी को भूल चुके हैं और उसे दोबारा से रिकवर करना चाहते हैं और कैसे रिकवर कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो आइए बिना देर किए चलते अपने फ़ोन की स्क्रीन पे और जानते हैं इस ट्रिक को। हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ से यूट्यूब अप्लीकेशन को ओपन करते हैं। यूट्यूब अप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे पहले ऊपर साइड देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक आईडी यहाँ पर लॉगिन है पहले से, लेकिन मैं यहाँ पर दूसरा आईडी लॉगिन करना चाहता हूँ। तो कैसे कर सकते हैं इसके लिए, आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड अकाउंट का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से सर्चिंग चलेगा, तो आपको थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद आपको जैसे यहाँ पे सर्चिंग कंप्लीट होता है तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा। जैसा कि ऑप्शन पे आने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक बॉक्स देखने को मिलेगा। इस बॉक्स में अगर आपको अपना ईमेल आईडी पता है तो अपना ईमेल आईडी इस बॉक्स में इंटर करना है। अगर नहीं पता है तो आपको यहाँ पे नीचे साइड देख सकते हैं फॉरगेट ईमेल का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से एक बॉक्स देखने को मिलेगा, इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और इसके बाद आपको यहाँ नीचे साइड देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नाम और लास्ट नाम अपना इंटर करना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नाम और लास्ट नाम जैसे इंटर कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरीके से सर्चिंग चलेगा। उसके बाद आपके सामने जैसे सर्चिंग कंप्लीट होता है तो आपके सामने आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेंड वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा, यानी कि आपके मोबाइल नंबर से जितने भी आईडी बनाए होंगे वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको जो भी आईडी ओरिजिनल होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आप इस ईमेल आईडी का अगर आपको पासवर्ड पता है तो आप यहाँ पर इंटर करेंगे, नहीं पता है तो आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके ईमेल आईडी पे एक कोड जाएगा, वेरिफिकेशन कोड आप यहां से सेंड करना है। सेंड करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे एक कोड जाएगा, वो कोड इस बॉक्स में आपको इंटर करना है। तो थोड़ा वेट करते हैं और यहां पे देख सकते हैं ऊपर साइड यहां पे कोड आ चुका है, यहां पे हम इंटर करेंगे कोड को। यहाँ पर इंटर जैसे इस तरीके से इंटर करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं आपके सामने यहाँ पर फिर से नीचे साइड देख सकते हैं कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एग्री के आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं तो आपका ये ईमेल आईडी यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन में लॉगिन हो जाएगा, यानी कि आपके यूट्यूब पे लॉगिन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से तरीके से आप अपने यूट्यूब की पुरानी आईडी को वापस ला सकते हैं। तो फाइनली आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे हम यूट्यूब की पुरानी आईडी को वापस ला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।